मेरे बच्चों चलिए आइए चलते हैं हम लोग नाइन्थ क्लास सीबीएसई के लिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग अभी फिजिक्स के एक पार्ट मोशन में चल रहे थे, मोशन को पढ़ रहे थे। अब मोशन में हम लोग पिछले क्लास में प्यारे बच्चों पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपको आगे जो पढ़ना है वो आगे ये पढ़ना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, क्योंकि पिछले दिन हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड के बारे में। तो आइए आज पढ़ते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी, AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसमें लिखेंगे, फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे द सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, द सम ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टू देन वी गेट गेट एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को अगर जोड़कर दो से अगर डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे बातों को? यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी उसको कहते हैं जिसका वैल्यू इनिशियल और फाइनल दोनों को ऐड कर देना है और दो से प्यारे बच्चों डिवाइड कर देना है। तो अगर ऐसे मान को हम लोग को जो प्राप्त होता है, जो हम पाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट में लिखेंगे इट इज डिनोटेड एज भी कैसे लिखेंगे? कैपिटल भी लिखेंगे और उसके नीचे ए और भी लिखेंगे। ये इसको डिनोट्स करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को किससे डिनोट्स करते हैं? तो कैपिटल भी और उसके नीचे ए भी लिख दिया जाता है। इट इज डिनोटेड एज भी ए भी। चलिए अब यहां पे उसके नीचे जो फार्मूला लिखना है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। प्यारे बच्चों अब एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो बिल्कुल अच्छे से तरीके से नोट कर लेना है। क्या होता है फार्मूला? जब इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी को जोड़कर अगर दो से डिवाइड किया जाता है तब हमें एवरेज वेलोसिटी प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से सूचित किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और फाइनल वेलोसिटी को भी से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा इसी को शॉर्ट फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी को डिनोट्स करते हैं भी ए भी बराबर यू प्लस भी बटा में टू। प्यारे बच्चों अगर हमसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है तो इनिशियल को और फाइनल को दोनों को ऐड करके अगर दो से डिवाइड किया जाए तो हमें एवरेज वेलोसिटी प्राप्त करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों और फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब है जरा बात समझिएगा। जैसे मान लिया कि आप यहां से नवी नगर से आप चलना प्रारंभ करते हैं कोलकाता, हम लोग चलते हैं कोलकाता घूम लेते हैं, पिछले बार औरंगाबाद घूमे थे इस लॉकडाउन में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
हम लोग अब चलते हैं कोलकाता, दूर का टूर बनाया है। जैसे अगर मान लिया कि यहां से नबीनगर से हम लोग चले हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और जैसे हम कोलकाता पहुंचे फाइनल वेलोसिटी, उस टाइम मेरा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो अगर इनिशियल का मतलब जहां से आप चलना शुरू करते हैं और फाइनल का मतलब जहां पे आप पहुंच जाते हैं, तो जहां पे आप पहुंचते हैं वहां की वेलोसिटी और जहां से आप चलना शुरू करते हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दोनों को ऐड करना है, हमेशा दो से डिवाइड करना है। अगर दो से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आप प्राप्त करते हैं वो कहलाता है प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट starts traveling with 40 kilometer per hour, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, चलना शुरू करता है एंड एंड विथ 20 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सवाल ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो प्यारे बच्चों चलना शुरू करता है, और जब भी चलना शुरू करता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, इनिशियल होता है। जब भी चलना शुरू करता है इनिशियल होता है, तो इनिशियल को हम लोग यू से सूचित करते हैं, और यू बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितना हुआ, तो फाइनल को हम लोग वी से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, तो वी का हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि आप वी ए भी निकालिए, यानी कि वी ए भी का मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना है प्यारे बच्चों। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को जो फार्मूला दिया गया है वो ये कि यू को और वी को एड करके और दो से डिवाइड करना है। प्यारे बच्चों यहां पे आ रहा है कितना 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर वी का वैल्यू आवर डिवाइडेड बाई 2, तो 40 एंड 20 गिव्स 60 डिवाइडेड बाई 2, इट्स डिवाइडेड बाई 2 देन वी गेट 30 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की ये एवरेज वेलोसिटी है। तो प्यारे बच्चों ये था एवरेज वेलोसिटी, इसमें आपको फार्मूला लिखना याद रखना होगा कि एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो u प्लस वी बाई 2 होता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, अब जरा चूंकि एनसीईआरटी बुक से हम लोग साइंस को कर रहे हैं तो उसके बीच का कुछ क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन होता है, चलिए अब उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि जो बीच में क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब उस क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग करते हैं। तो जिन बच्चों के पास किताब नहीं होगा तो पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको लिखना है, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, आप किताब खोलिए और देखिए कि ये क्वेश्चन बुक में कहां दिया हुआ है, ये बीच में भी बीच में कर करके क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए,
डिस्टिंक्स बिटवीन, डिस्टिंक्स का स्पेलिंग होता है डिस्टिंक्स, डी आई एस टी आई एन जी यू आई एस एच, डिस्टिंक्स, डिस्टिंक्स बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या अंतर है, क्या अलग अलग वो चीजें हैं, यानी स्पीड अलग होता है वेलोसिटी अलग होता है। तो प्यार बच्चों आपसे सवाल ये बोल रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, आप उसके बीच में डिस्टिंक्स करो, यानी कि उसके बीच में आप तुलना करो, उसके दोनों के बारे में अलग अलग चीजें बताओ। तो उसका आंसर लिखेंगे, द डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी आर फॉलोइंग, द डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी आर फॉलोइंग, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में निम्नलिखित अंतर है। अब उसके नीचे पहला लिखेंगे फिर दूसरा लिखेंगे ऐसे करके, तो पहला लिखिएगा, पहला डिस्टिंक्स क्या है, अ स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बट वेलोसिटी इज डिस्टेंस, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। देखिए पहला क्या लिखें कि स्पीड उसके द्वारा ट्रेवल किया गया एक डिस्टेंस होता है, जबकि वेलोसिटी क्या है उसके द्वारा तय किया गया ट्रेवल्स, तय किया गया दूरी यूनिट टाइम में होता है, यही पहला अंतर है। दूसरा में लिखेंगे, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों, वो एक वेक्टर है, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि वो वेक्टर कहलाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आप डिस्टिंग्स करो स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो स्पीड क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया ट्रेवल किया गया एक डिस्टेंस है, बशर्ते वेलोसिटी क्या गया है। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस, यानी कि एक यूनिट टाइम में तय किया गया दूरी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है तो हम पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट equal to its average speed। बोल रहे ये क्वेश्चन दूसरा नंबर कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों किस प्रकार इक्वल हो सकता है, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो सवाल ये बोल रहा है कि किस कंडीशन में, किस अवस्था में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर
लिखा जाए, एवरेज वेलोसिटी वुड बी इक्वल, एवरेज वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड, टू एवरेज स्पीड व्हेन व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल। चलिए बोला जा रहा है कि सवाल क्या बोला कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन में इक्वल होगा, तो प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि किसी पार्टिकल द्वारा किसी ऑब्जेक्ट द्वारा अगर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों इक्वल हो गया तब हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई सवाल बोलेगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगा, तो आप यही बोलेंगे कि कोई पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, तय किया गया दूरी और उसके ही द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हो गया तब दोनों इक्वल होगा, कौन कौन सा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए आइए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, What does the odometer? What does the odometer? Odo का spelling O D O M E T E R. What does the odometer of an automobile automobile measures? मेजर्स बोला जा रहा है कि गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, गाड़ी जैसे बस ट्रेक कार जीप ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल है जो फ्यूल डालने से चलते हैं, यानी कि ईंधन तेल पेट्रोल डीजल डालने से चलता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑटोमोबाइल, मतलब वैसा गाड़ी जो ऑटोमोबाइल तब कहलाएगा जब फ्यूल से चलेगा ईंधन डालने से चलेगा। तो ऑटोमोबाइल में सभी ऑटोमोबाइल में सभी गाड़ियों में ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है प्यारे बच्चों, ऑडोमीटर भी लगा रहता है और एक स्पीडोमीटर भी लगा रहता है, जानने के लिए जरूरी है। हालांकि सवाल तो सिर्फ ऑडोमीटर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी जब होता है ना तो दो तरह की मीटर होती है, एक ऑडोमीटर होती है और एक स्पीडोमीटर होती है। स्पीडोमीटर क्या बोलता है, तो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है कि आप अभी कितना स्पीड से चल रहे हैं, और ऑडोमीटर क्या बताता है कि गाड़ी जब से लिए हैं तब से आपका कितना किलोमीटर गाड़ी चल गया, समझ में आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना दूरी तय किए हैं इसको मेजर करता है, इसको मापता है ऑडोमीटर। लेकिन कोई भी गाड़ी का जो स्पीड होता है उसको मापता कौन है, स्पीडोमीटर, यानी कि स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए और ऑडोमीटर डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे, ऑडोमीटर इज मेजर द डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल बाय एन ऑटोमोबाइल। सवाल ये बोल रहा था कि ऑडोमीटर जो ऑटोमोबाइल में लगा हुआ रहता है, तो ऑडोमीटर किसके लिए लगा रहता है, तो डिस्टेंस को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए ऑडोमीटर लगा रहता है। जबकि स्पीडोमीटर किसके लिए, तो स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑडोमीटर। प्यारे बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर लिखा जाए,
व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन व्हेन इट इज इन, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस तरह का पाथ होना चाहिए, यानी कि किस तरह के रास्ता पे यूनिफॉर्म जैसा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे कि एक ही स्पीड द्वारा आप अगर चलते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर आप रुक के चलते हैं अपना स्पीड को कभी तेज कभी स्लो, तब इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, इसको बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल ये बोल रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए किस प्रकार का पाथ होना चाहिए, किस प्रकार की पाथ होनी चाहिए। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन पाथ, बिल्कुल सीधी रास्ता होना चाहिए अगर यूनिफॉर्म मोशन होनी हो तो, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन पाथ की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन व्हेन इट इज व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए तो इसके लिए कौन सा पाथ का होना जरूरी है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ का होना जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship का मतलब अंतरिक्ष यान, a spaceship reached the ground station in five minutes, full stop. What was the distance of the spaceship? The spaceship from the ground station. क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। फिर आगे क्वेश्चन लिखा जाए उसके आगे है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट that is 3×10^8 m/s। चलिए सवाल क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि एक स्पेसशिप है और वो ग्राउंड स्टेट तक पहुंचना चाह रहा है, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि जो हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं तो अंतरिक्ष से होकर ही वेव आता है,
और उस वेव का स्पीड हमें दिया है और टाइम दिया है 5 मिनट। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा गिवन टाइम कितना दिया है प्यारे बच्चों, 5 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 5 को जब 60 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300 सेकंड। तो टाइम प्यारे बच्चों कितना हो गया, 300 सेकंड। और कितना स्पीड से आ रहा है, तो स्पीड हमें दिया है स्पीड ऑफ स्पेसिफ, तो वहां दिया है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। सवाल बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है प्यारे बच्चों। तो चूंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है प्यारे बच्चों, 3×10⁸। टाइम कितना है, 500। अब 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500×10⁸। और इस 1500 को ऐसे लिख सकते हैं, 15×10² क्योंकि 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 100 को 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, और 10⁸। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 15×10⁵। जब सेम नीचे रहता है प्यारे बच्चों, 8 और 2 को ऐड कर देते हैं, 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 10⁻¹⁰ आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर हमें डिस्टेंस कितना हो गया, 15×10⁻¹⁰ मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हम लोग को एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोग कर रहे हैं। तो आज के क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, साइंस के अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।